गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था वी विल डिस्कस इन लास्ट टॉपिक द पार्ट ऑफ स्टमक डायग्राम ऑफ स्टमक आज हम आपको कराने जा रहे हैं वट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट इन हॉर्मोन इन स्टमक दैट इज गैस्ट इन हॉर्मोन दैट इज नॉट इन योर एन वी डिस्कस आउट फ्रॉम एन सी बट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट छोटा सा टॉपिक है बेटा आपको डिस्कस करना है अच्छे से समझना है बेटा दैट इज गैस्ट्रीन नोट हैस्ट्रीन ये दैट इज गैस्ट्रीन इज अ हॉर्मोन दैट प्रोड्यूस बाय द स्टमक विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड दैट मीन्स बेटा गैस्ट्रीन क्या है इज अ टाइप ऑफ हॉर्मोन दैट रिलीज द गैस्ट्रिक एसिड बट इज द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिक एसिड दैट ब्रेक डाउन द फूड इन स्मॉल पार्टिकल्स गैस्ट्रीन एक हॉर्मोन है बेटा गैस्ट्रीन इज अ हॉर्मोन दैट प्रोड्यूस बाय द जी सेल्स कौन सी सेल्स बेटा जी सेल्स इन द द लाइनिंग एट स्टमक एंड अपर स्मॉल दॉर्मोन जो जी सेल्स में और जी सेल्स कहा होंगी दैट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग एट द स्टमक यहां तक क्लियर है बेटा नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग अ मील मील का मतलब होता है बेटा खाना या हम बोल सकते हैं फूड ड्यूरिंग अ मील गैस्ट्रीन स्टिमुलेट करेगा स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा फॉर रिलीज और गैस्ट्रीन हॉर्मोन ने रिलीज कर दिया बेटा गैस्ट्रिक एसिड क्यों रिलीज हुआ है वट इज द रीजन ऑफ रिलीजिंग ऑफ गैस्ट्रिक एसिड दैट बिकॉज द फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक एसिड तो हु स्टिमुलेट द स्टमक दैट हेल्प इन रिलीजिंग ऑफ गैस्ट्रिक एसिड हमने आज तक टेंथ में यही पढ़ा है टीचर ने यही समझाया है कि वट इज द फंक्शन ऑफ एच सी क्या रिलीज करता है बट हमने ये नहीं पढ़ा कि गैस्ट्रिक एसिड या एच सी एल सीक्रीट कहाँ से होता है दैट इज सिक्रीट बाई जी सेल्स मतलब जो गैस्ट्रिन हॉर्मोन है वो उसको स्टिमुलेट करेगा स्टमक से एंड दिस अलाउ द स्टमक टू ब्रेक डाउन जो गैस्ट्रिक एसिड है वो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को जो हमने स्वेलो किया है एज फूड फूड की फॉर्म में एंड एब्जॉर्ब करेगा विटमिनस को हम विटमिन भी बोल सकते हैं दे आर डिफरेंट प्रोनसिएशन विटामिन एंड ऑल्सो नोन एज वाइटामिन नेक्स्ट आता है बेटा इट ऑल्सो एक्ट एज डिस इन्फेक्टेंट मैंने आपको बताया जो एच सी एल है दैट किल द माइक्रोव्स और किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दैट एंटर द स्टमक दैट अलोंग विद द फूड जो मतलब हमने खाना खाया जो हमने फूड खाया बेटा उसके साथ जितने भी बैक्टीरिया मिलकर गए वो सारे के सारे गैस्ट्रिक एसिड में किल हो गए दैट मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद इन द गट गट का मतलब जहां से खाना जा रहा है दैट इज इन एलिमेंट्री कैनाल फूड पाइप स्मॉल इंटेस्टाइन सब उसमें अटैच है अब उसके बाद आता है एडिशनली अलग से बता रहा हूं गैस्ट्रीन कैन स्टिमुलेट द गाल ब्लेडर गैस्ट्रीन किसको करेगा? को to empty it store of bile, store of bile करेगा गाल ब्लेडर को टू एम टी इट स्टोर ऑफ बाइल जो स्टोर ऑफ बाइल करेगा एंड पेनक्रियाजीक्रिट एंजाइम के मतलब बेटा वो पेनक्रियाज को बोलेगा कि आपको सिक्रिट करना है पेनक्रिटिक एंजाइम बाइल एंड पेनक्रिटिक एंजाइम हेल्प जो बाइल है जो गाल ब्लेडर से सीक्रिट हुआ पेनकेटिक एंजाइम जो सीक्रिट हुआ पेनक्रिया से दैट एंजाइम दैट हेल्प एब्जोर्व फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कहा होगा दैट इज नोन एज विली दैट इज नोन एज विली विली इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विली इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन एब्जोर्बन ऑफ फूड गैस्ट्रिन ऑल्सो स्टिमुलेट गैस्ट्रिन क्या करेगा बेटा गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा किसकी ग्रोथ को स्टमक लाइनिंग स्टमक लाइनिंग जो जी सेल्स बताई थी मैंने आपको एंड इनक्रीज द मसल कॉन्ट्रेक्शन मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन करेगा एंड द गट टू एसिड मतलब यहाँ से क्या आएगा गट टू एसिड डाइजेशन मतलब यहाँ पे बेटा एसिड का भी क्या कर सकता है डाइजेशन करेगा दैट मीन्स कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो हमने सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है बेटा कि गैस्ट्रिन इज अ हॉर्मोन जो प्रोड्यूस होगा स्टमक से स्टिमुलेशन करेगा रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिन सीक्रेट कहाँ से होगा जी सेल से जो कहा होता है लाइनिंग एट द स्टमक एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन फूड ब्रोकडाउन होता है गैस्ट्रिक एसिड से बट फूड ब्रोकडाउन किससे होगा गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करेगा स्टमक को ओके एंड डाइजेशन करेगा विटमीन्स का फूड का इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए डिस इनफेक्टेंट डिस इन्फेक्टेंट मीन्स बेटा दैट किल द माइक्रोव एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दैट एंटर द स्टमक दैट मीन्स बेटा दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट अगर मैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं डिफरेंट विली एंड विली में बेटा यहाँ पे क्या है Lacteals है दैट हेल्प और डाइजेस्ट द डाइजेस्टेड फैट का फंक्शन है बेटा विच एब्जोर्ब द डाइजेस्टेड फैट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मैंने आपको नोटबुक में आज इसलिए कराया क्योंकि बहुत स्मॉल टॉपिक है बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बट वन मार्क्स श्योर है आता है किसमें जो हमारा एम है नीट में ओके विली के साथ लेक्टियल है तो ऑल्सो बेटा क्या है ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल्स है बेटा ब्लड वेसल्स भी क्या करेंगे हेल्प करेंगे क्या करने में जो भी हमने खाने को डाइजेस्ट किया है जो हमने एब्जॉर्ब किया है वो खाना जो एब्जॉर्ब किया है वो सारा का सारा ब्लड वेसल्स क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड वेसल से कहां जाएगा वेन्स में आर्टरीज में जो ब्लड के अंदर फूड मतलब कंटेन करेगा इज दैट क्लियर अच्छा एक आपको याद रखना है डिस इनफेक्टेंट दिल डिस इंफेक्शन को किल करे और किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दैट एंटर एंटर द स्टमक जो करेगा फूड में और मिनिमाइज करेगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद इन द गट और गैस्टिन स्टमुलेट करेगा गाल बेडर को मैंने आपको बताया कि बाइल गाल बेडर से सीक्रेट होगा पेनक्रिया से पेनक्रेटिक एंजाइम जो हेल्प करेंगे एबजॉर्ब कर देंगे फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ की लाइनिंग की इंक्रीज करेगा मसल कॉन्ट्रेक्शन और ऑफ द गट टू एसिड डाइजेशन और एसिड डाइजेशन में भी हेल्प करेगा ओके okay, बेटा इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आई होप यू आर एन्जॉइंग द लेक्चर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस ओके बेटा